हनी थाना के बामोरकला कस्बे में संचालित मां बंगलाबाई गौशाला में सोमवार की सुबह अचानक से धुआं निकलता दिखाई दिया और जैसे ही धुआं निकलता देखा तो लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के मुताबिक सुबह जब गौशाला का कर्मचारी कृष्णपाल यादव खाना खाने गया, इसी बीच किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा गौशाला के भूसा गोदाम में आग लगा दी गई। आनंद फानंद में प्रशासन और गौ सेवक गौशाला पहुंचे और खनिया थाना से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। गौ सेवकों और ग्रामवासियों ने पूरी आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। आग गौशाला के भूसा के गोदाम में लग चुकी थी जिसमें करीब 360 क्विंटल भूसा भरा हुआ था जो कि एक दिन पहले ही उसमें रखवाया गया था। पूरे दिन नगर के लोगों ने पूरे भूसे की आग बुझवाई और जले हुए भूसे को पृथक कराया और बामोरकला थाने में मामला दर्ज कराया गया। ये आगजनी की घटना समस्त नगर में चर्चा का विषय बनी रही। खनिया थाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। सचिव महोदय, क्या घटना हुई थी दो दिन पहले यहाँ गौशाला में? मुझे 10:15 बजे फोन आया कि गौशाला में आग लग चुकी है। मैं तुरंत गौशाला पहुँचा और यहाँ पे आग धधक रही थी। मैंने गौशाला समिति वालों को सूचना की, श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय को सूचना की और फिर दमकल वालों को कॉल किया। दमकल वाले आ गए, गांव वाले आ गए, गौशाला वाले आ गए, सभी ने सहयोग किया, आग पर काबू पाया। अच्छा, अभी इसमें आग लगी हुई है क्या, ऐसी कोई आशंका? अभी संभावना दिख रही है कि भूसा के अंदर थोड़ी आग धधक रही है, ऐसे लगता है कि इसके अंदर अभी आग है। जी, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी सब ग्रामवासियों, गौशाला समिति वालों से सहयोग मांग रहे हैं जी और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और आग पर भूसा भी निकलवा रहे हैं सभी लोग और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। गाँव वाले बहुत अच्छा है, गाँव और कलावासियों का सहयोग। जी, थैंक यू।